बोकारो स्टील और जिला प्रशासन की टीम ने सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा जमीन को लेकर परमिशन नहीं दिया गया। मैदान में 40 फीट का रावण, 35 फीट का मेघनाथ और 30 फीट का कुंभकर्ण बनाया जा चुका है, लेकिन अब कल रावण दहन कार्यक्रम नहीं होगा। धर्म जो है हिंदू धर्म आज कहीं न कहीं त्राहिमाम हो रहा है। ऐसा वक्तव्य आ रहा है जब परमिशन देने के बाद लेने के बावजूद भी परमिशन नहीं मिल रहा है, तो मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं और खुद मैं कार्यकर्ता हूं और इसे इतना दुखी हूं कि जो लोग भी अभी पूछ रहे हैं कि भाई इस प्रोग्राम में क्या होने वाला था, क्या होने वाला था, हम लोग रियली में इस चीज़ को अंदर का खून का घूंट पी करके रहे। तो बोकारो स्टील प्रबंधन ने परमिशन नहीं दिया है रावण दहन को लेकर। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो की जा रही है, ये कमेटी वालों का कहना है। पुस्तकालय मैदान में रावण दहन हर साल होता है, पर इस साल जो है वो रावण दहन नहीं होगा। हालांकि रावण जो है बनकर तैयार है, मेघनाथ जो है वो बनकर तैयार है, लेकिन इस बार रावण दहन नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे परमिशन नहीं दी गई है। जो सहयोगी है बोकारो से सुरेंद्र, उनका रुख करते हैं। अब सुरेंद्र, रावण दहन होना था और जो है परमिशन नहीं मिली, क्या कुछ बातें इसे लेकर आ रही है सामने? देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले एक महीनों से रावण दहन की तैयारी की जा रही थी, जिला प्रशासन और बीएसएल के अधिकारियों को लिखित आवेदन भी दिया गया था, उनको कार्यक्रम की सूचना भी दी गई थी, लेकिन जब आज रावण दहन होना था तो कल ही रावण दहन जो है परमिशन रद्द कर दिया गया। यह साफ तौर से कहना है कि हमें जो जिला प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दिया गया है, बीएसएल का यह कहना है, लेकिन जो जिला प्रशासन है उनका कहना है कि जिसकी जमीन है उसके द्वारा एनओसी नहीं मिलने पर हम परमिशन कैसे दे सकते हैं। इसी के कारण से जो रावण दहन का कार्यक्रम आज होना था उसे रद्द कर दिया गया है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, यहाँ 40 फीट का रावण थे। और क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। 30 फीट का कुंभकर्ण और 30 फीट का मेघनाथ, तो सभी तरह से जो थे सभी को जलाना था और सारी तैयारियां कर ली गई थी और सारा कुछ यहाँ पर बनकर तैयार था। लोगों की कतारें भी धीरे धीरे शाम को जुटने लग गए, लेकिन उसको देखकर जिला प्रशासन की ओर से सीओ को एज ए मजिस्ट्रेट पर सुरेंद्र, क्या कारण रहा? कुछ बातें सामने आ रही है इसे लेकर कि क्या कारण रहा, क्यों मना कर दिया गया जब तैयारी हो चुकी थी, तो बीच में इस तैयारी को रोकना और कल ही रावण दहन है, तो क्यों इस तरह से जो परमिशन नहीं दिया गया, क्या वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से हम बीएसएल के अधिकारी से बात किए तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया है, और जिला प्रशासन से जब इस बाबत हमने बात किया तो उनका कहना है कि बीएसएल की ओर से जमीन की एनओसी नहीं दी गई है। इसी में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर इसे रद्द कर दिया गया है। और आनंद फानन में जिस तरह से लोग आने लगे थे और उसके बाद भी जो परमिशन की लग रहे थे कि परमिशन मिल जाएगा, वार्ता बात भी करने के लिए लोग गए थे, लेकिन परमिशन इन्हें नहीं मिला, इस वजह से रावण दहन मतलब कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि परमिशन के पेच में फंस गया ये रावण दहन। हालांकि पहले भी होता था, एक बार फिर से 15 वर्षों के बाद इसे शुरू किया गया था कि लोगों के लिए जो है काफी भीड़ होती थी, लेकिन इसे इस बार हो नहीं पाया। लेकिन यह भी कवायद लगाई जा रही है कि कल किसी तरह से इसे जला रावण दहन की जो है यहाँ पर जलाया जाएगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात किया गया है कि आम पब्लिक की भीड़ नहीं हो,
उसके मद्देनजर ऐसा कहीं से लग नहीं रहा है कि जो कल रावण दहन होगा। और जो यहाँ से जनता पब्लिक आई थी, हम लोग आए थे रावण दहन देखने के लिए, उन्हें निराश होकर जाना पड़ा, चूंकि जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग उन्होंने भीड़ लगाने से मना कर दे, सभी को वापस भेज दिया कि यहाँ रावण दहन नहीं होगा। जी चलिए, तो सुरेंद्र अब देखने वाली बात होती है कि रावण दहन होता है कि नहीं, क्योंकि तैयारियां जिस तरीके से की गई है, हालांकि कमेटी वाले का ये भी कहना है कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो है एक बड़ी साजिश है, लेकिन अब सारी बातें जो पेस जहां फंस रही है वो यही है कि परमिशन नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कल या कि रावण दहन होता है या नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।